वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने 4 मार्च से शुरू होने वाले दूसरे चरण के वैक्सीनेशन की समीक्षा की। इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने कहा कि फ्रंट लाइन वर्करों को प्रथम चरण में दिए गए को भी वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की तैयारियां 4 मार्च से शुरू कर दी गई। इस दौरान पहले चरण में वैक्सीनेशन किए गए फ्रंट लाइन वर्करों को 4 मार्च से दूसरा डोज दिया जाना है, जिसके लिए जिला अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। जो फ्रंट लाइन वर्कर पहले चरण में वैक्सीनेशन का डोज ले चुके हैं, उन्हें दूसरे चरण का डोज 4 मार्च से दिया जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन कराए गए लोगों का भी जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही दूसरे चरण का टीका किया जाएगा, जिसके लिए शासन ने निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि इसकी जानकारी के लिए जिला अस्पताल और प्राइवेट हॉस्पिटलों पर बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग लगवाए जाएं, जिससे लोगों को जानकारी मिल सके। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे सहित स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अब उनकी सेकेंड डोज लगनी है। अब जब वो धनवंतरी अस्पताल अगर जाएंगे तो वहां पर उनका नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर अब जो कुछ भी होगा वो पेड होगा, ठीक है। तो आपको सबको सूचित ये करना है कि जिनको भी हेल्थ केयर वर्कर या फ्रंटलाइन वर्कर, जिनको भी फर्स्ट डोज लगाई गई थी धनवंतरी अस्पताल में, अगर उनको निशुल्क लगवाना है, अगर वो पैसे देकर लगवाना चाहते हैं और वहां पर अगर सेशन हो रहा है तो कोई बात नहीं, उनको बताइए कि आप जिला अस्पताल चले आएंगे, आपके लिए 17 जिला अस्पताल पे लगाया जा रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर है कम्युनिकेशन। जो लोग भी हैं उनको आप कहिए कि आप जिला अस्पताल आएंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा जिला है क्या जहां पर कि आपने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में सेशन लगाया था जो कि जिला मुख्यालय पर नहीं था बल्कि ब्लॉक मुख्यालय पर था या तहसील मुख्यालय पर था, ऐसा कोई यही में है? हाँ ठीक है, ठीक है सर। उन्नाव में भी है, उसके उसके जो CHC है उन्नाव में भी था, मेडिकल था। सुन लिया 5-6 जगह का सुन लिया। उसके जो CHC है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आपका है या ब्लॉक लेवल PHC है, उसमें वो सेशन आप लगाएंगे, उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। उनकी सेकेंड डोज अब जो 4 तारीख से सेकेंड डोज स्टार्ट हो रहा है वो या तो जिला अस्पताल में शिफ्ट हो जाएगा, या अगर तहसील वगैरह पर था तो वहां पर जो भी आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। ये आपको क्लियर कम्युनिकेशन कर देना है, कोई कंफ्यूजन इसमें। 4 तारीख में, 5 तारीख में, आगे आने वाली 12 तारीख में, जिसमें भी सेकेंड डोज है, चाहे हेल्थ केयर वर्कर का हो या फ्रंटलाइन वर्कर का हो, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल, अगर सरकारी हॉस्पिटल में था सेशन हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं, वहीं पर सेकेंड डोज होगी। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ था तो वो जिला अस्पताल में शिफ्ट हो जाएगा, जिला हेडक्वार्टर के प्राइवेट अस्पताल का, और अगर तहसील हेडक्वार्टर में था या किसी ब्लॉक पर था वो प्राइवेट हॉस्पिटल, तो वहां का जो CHC है वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। कोई संदेह किसी तो ये कम्युनिकेशन करना तत्काल आपका काम होगा, क्योंकि दिक्कत आएगी सर। आपका जो सेकंड डोज का सेशन है वो परसों ही आना है 4 तारीख, तो आपको क्विकली ये अखबारों के माध्यम से और जिस और माध्यम से, जैसे केबल टीवी चलता है उसमें नीचे पट्टी चलती है उसमें चलवा सकते हैं लोग, जिलों में सभी लोकप्रिय होता है, या आप उसको अपने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर से फोन भी करवा सकते हैं, ठीक है। अगर 200-400 लोग होंगे उनको फोन करवा दीजिए, अभी से फोन करवाना शुरू करिए, वो फोन होगा। एक बार जैसे ही 4 और 5 का आपका निपट गया तो सबको खबर हो जाएगी, उसके बाद तो वर्ड ऑफ माउथ से सब बात आपस में, सब सरकारी कर्मचारी मालूम पड़ जाएगा, अच्छा वहां नहीं जाना है, यहाँ जाना है, और जहां पर लगा था वहां पर आप एक नोटिस लगवा देंगे। जैसे मैंने धनवंतरी अस्पताल का उदाहरण लिया था, तो धनवंतरी अस्पताल में एक बड़ा सा नोटिस लगा हुआ होगा कि 4 तारीख को जिनका यहां था वो लोग कृपया करके जिला अस्पताल पहुंच जाएं,
या जिनका यहाँ था वो कृपया करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फला फला पहुंच जाए, अगर वो ब्लॉक या तहसील लेवल का ऊपर था वो प्राइवेट हॉस्पिटल, तो वो काम करेंगे अखबारों के माध्यम से, केबल टीवी और दूसरे माध्यम से सूचित करेंगे, इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर से सूचित करेंगे, और जिस प्राइवेट हॉस्पिटल से आप शिफ्ट कर रहे हैं सेशन वहां पर एक बड़ी सी नोटिस लगाएंगे, काफी बड़े पेपर पर, बड़े छोटा सा एक लेंगे A4 साइज लगा दिया, बड़ा सा पोस्टर जैसा एक लगाएंगे बना करके, एक जो चार्ट पेपर होता है ना तो, या चार्ट पेपर पर या किसी और चीज पर, फ्लेक्स पर, जिस पर भी, एक बना के बड़ा सा लगाएंगे कि यहाँ जिनकी दूसरी डोज होनी थी आज हेल्थ केयर वर्कर की या फ्रंटलाइन वर्कर की, वो कृपया करके जिला अस्पताल पहुंच जाए या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चले आए वहाँ, तो जो लोग नहीं सूचित भी हो पाएंगे वो भी जब वहाँ पहुंचेंगे तो वहां से वो वहां चले जाएंगे, ठीक है। तो ये है, ये आपको तत्काल करना है, आज प्रायोरिटी बेसिस पर इसको करना है। तो ये चूंकि मैं कोशिश कर रहा था कि इसको रिजॉल्व करवाऊं, लेकिन ये हो नहीं पाया, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बातचीत के बाद यही नजर समझ में आया कि इसको चेंज करना ही करना पड़ेगा, तो ये व्यवस्था होगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया, इसका एक डायरेक्शन आप जारी कर देंगे भाई साहब या जो भी FDHM से करवा देंगे, जैसे करवा देंगे, ठीक है। सेंटर्स पर कोवैक्सीन लगी हुई थी, तो ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन का अंतर आएगा सर, उसमें दिक्कत आने नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लगाएंगे इनके लिए, जो इनका जो सेशन है थोड़ा सा सेपरेट कर लीजिएगा सेकंड डोज वालों का सर, और कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है कि अगर आपके जिला अस्पताल में कोविशील्ड चल रही है और इनको कोविड कोवैक्सीन लगाना पड़ रहा है, करें उसको अलग बिल्डिंग करें, उसी में अलग बिल्डिंग में कर दीजिए, जिला अस्पताल के अलग ब्लॉक में कर दीजिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट वाले में ये नहीं हो पाए, तो ये पहले बात, पहली बात थी, ये क्लियर हो गई, बता दिया मैंने आप लोगों को, इसका कर लीजिएगा।